हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तो आज हम कार्डिक साइकिल को पढ़ रहे हैं कार्डिक साइकिल उन इवेंट्स को संदर्भित करता है जो हार्ट के बीट होने पर होती हैं एक स्वस्थ मानव हृदय प्रति मिनट बहत्तर बार धड़कता है जो बताता है कि प्रति मिनट बहत्तर कार्डिक साइकिल्स होती हैं कार्डिक साइकिल में एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों का कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन शामिल है कार्डिक साइकिल लगभग एक बार में जीरो पॉइंट एट तक चलती है तो इसके बाद अब हम पढ़ रहे हैं कार्डिक साइकिल फेजेस। तो पहला फेज आता है इसमें एट्रियल डायस्टोल। इस फेज में हार्ट के चैम्बर शांत यानि कि काम रहते हैं यह तब होता है जब एरोटिक वॉल्व तथा पुलमुनरी वॉल्व बंद हो जाती हैं और एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व खुल जाते हैं जिससे हार्ट चैम्बर शांत रहते हैं इसके बाद सेकेंड फेज आता है एट्रियल सिस्टोल इस फेज में ब्लड सेल्स एट्रियम से वेंट्रिकल में फ्लो होती हैं और इस पीरियड में एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं थर्ड आते हैं इसमें आइसो वॉल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन इस फेज़ में वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होने लगते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व और पुलमरी एट्रिय वॉल्व बंद हो जाते हैं लेकिन वॉल्यूम में कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता फोर्थ फेज आता है इसमें वेंट्रिकुलर इजेक्शन यहाँ वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करके एम्प्टी हो जाते हैं तथा पुलमुनरी आर्टरी तथा एरोटिक वॉल्व क्लोज हो जाते हैं इसके बाद फिफ्थ फेज आता है आइसो वॉल्यूमिक इस फेज में ब्लड वेंट्रिकल्स में प्रवेश नहीं करता जिससे प्रेशर कम हो जाता है और वेंट्रिकल रिलैक्स होने लगता है अब एरोटा में प्रेशर के कारण पुलमोनरी आर्टरी तथा एरोटिक वॉल्व बंद हो जाते हैं इसके बाद सिक्स पे जाता है वेंट्रिकुलर फिलिंग स्टेज इस स्टेज में ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल में फ्लो होता है तो इसके बाद अब हम पढ़ते हैं ड्यूरेशन ऑफ कार्डिक साइकिल एक सामान्य व्यक्ति में हार्ट बीट सेवेंटी बीट पर मिनट होती है तो एक कार्डिक साइकिल की ड्यूरेशन की गणना इस प्रकार की जा सकती है वन अपॉन सेवेंटी टू बीट्स पर मिनट इज इक्वल टू जीरो पॉइंट वन थ्री मिनट पर बीट तो हार्ट बीट सेवेंटी टू बीट पर मिनट पर कार्डिक साइकिल की ड्यूरेशन जीरो पॉइंट एट सेकेंड होगी इसके बाद इसके बाद जो हैडिंग आती है वो होती है ड्यूरेशन ऑफ डिफरेंट स्टेजेस तो एट्रियल सिस्टोल में इसका ड्यूरेशन होता है जीरो पॉइंट वन सेकेंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल में होता है जीरो पॉइंट थ्री सेकेंड एट डाइस्टोल में होता है जीरो पॉइंट सेवन सेकेंड और वेंट्रिकुलर डायस्टोल में होता है जीरो पॉइंट फाइव सेकेंड तो ये सारे जो स्टेजेस हैं ये सारे मिल करके कार्डिक साइकिल की जीरो पॉइंट एट सेकेंड की ड्यूरेशन को पूरा करते हैं सो थैंक यू फ्रेंड्स आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी सो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें